प्रदेश भर में इन दिनों माँ दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद देवी मंदिरों में धार्मिक स्थलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों को बिजली की रोशनी से सजाया गया है। प्रदेश भर में नवरात्र पर्व पर आज 3रा दिन है। आज देवी मंदिरों में माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। दुर्ग भिलाई में भी कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। भिलाई के डाकतार सेक्टर 6 के मां जगदम्बा मंदिर और दुर्ग के मां चंडी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोरोना काल के 2 साल बाद नवरात्र पर्व पर देवी दर्शन का लाभ उन्हें मिल रहा है। इस वजह से मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बहुत 2 सालों बाद हमको ये ज्योति कला स्वरूप देखने को प्राप्त हुआ। अभी तक तो 2 साल से वंचित थे अपन। अब कोरोना काल की समाप्ति की ओर और आगे हम भगवान से कृपा करेंगे कि भाई ये कोरोना काल खत्म करके हमें आगे शक्ति कला और माता रानी के दर्शन करने का लाभ मिलता रहे। 2 साल से कोरोना की वजह से हम सब आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिए थे। इवन मंदिर तक आना जाना बंद हो गया था, दर्शन तक नहीं हो पा रहे थे। तो अभी माता की कृपा से, चंडी माता की कृपा से, जो यहाँ का सबसे प्राचीन मतलब पुराना मंदिर है, काफ़ी जागृत है। तो उस वजह से कोरोना की काफ़ी कमी आई है कोरोना में, और लोगों का मिलना जुलना वापस शुरू हुआ है। बस यही मांगता हूँ कि माँ आशीर्वाद देते रहे, और जो 2 सालों से माँ का दर्शन नहीं हो पा रहा था, बस यही आशीर्वाद मांगता रहूँ कि बस माँ का दर्शन होता रहे। और कोरोना काल के इस क्षेत्र में 2 सालों से माँ का दर्शन नहीं हो पा रहा था, और आज सौभाग्य मिला है कि आज मैं माता का दर्शन किया हूँ। बस इसी तरह से माता का आशीर्वाद मिलता रहे। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित अलग अलग स्थानों से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंच रहे हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए दुर्ग भिलाई में कई स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन की तरफ से पैदल यात्रियों के लिए पंडाल लगाकर भोजन पानी और दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पदयात्री कुछ देर के लिए इन पंडालों में आराम करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। वहीं गरियाबंद जिले के विभिन्न देवी मंदिरों और दर्शनीय स्थलों में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जिले के जतमई और घटारानी मंदिर में भी नवरात्र के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस बार जतमई मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं।